डेटा टाइप, यहां पे हम बात कर रहे हैं डेटा का टाइप। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा तो रॉ फैक्ट हो सकता है, मगर हम जब कोडिंग कर रहे हैं तब यहां पर हमें टाइप बताने की क्या जरूरत है उसे? जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं int a, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अब इसे हम वेरिएबल कहते हैं और यहां पे वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करके रखता है और इस वैल्यू को हम डेटा कह रहे हैं। इस डेटा का हम टाइप यहां दे रहे हैं और इसे कहते हैं हम टाइप। तो जो टाइप है वो डिफाइन कर रहे हैं हम डेटा टाइप्स के थ्रू। तो सी लैंग्वेज में कुछ टाइप्स अवेलेबल है, वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी, यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड। ये तीन बड़ी मेजर कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को फिर फर्दर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आ गई। प्राइमरी, यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? कैरेक्टर टाइप, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद जो यूजर क्रिएट करता है, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, वो हो गया स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डेफ। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आ गए एरे, पॉइंटर और फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम प्राइमरी डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, बाकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स आगे के लेक्चर्स में ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप्स, इसमें मेजर तीन कैटेगरी आती हैं। कैरेक्टर टाइप, दूसरा इंटीजर टाइप और तीसरा फ्लोटिंग टाइप। कैरेक्टर में तो आप कोई भी तरह का अल्फाबेट वगैरह, सिंपल एक कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। ये कैरेक्टर डेटा टाइप जिस भी वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे तो वो एक सिंगल कैरेक्टर यूज करेगा। इंटीजर में आप नेचुरल नंबर्स को होल्ड करा सकते हैं और फ्लोटिंग टाइप में डेसिमल, जिसमें फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है, वो आप होल्ड करा सकते हो। अब इंटीजर भी फर्दर सब डिवाइड हो गया शॉर्ट में, फिर उससे बड़ा इंट और उससे बड़ा लॉन्ग। फ्लोटिंग में फ्लोट, फिर डबल और तीसरा लॉन्ग डबल। अब इसमें कुछ कैरेक्टर जो डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, इनसे आगे कुछ प्रीफिक्स भी लगते हैं, उससे एक और प्रेसिशन और क्लासिफाई हो जाएगा और प्रिसाइज हो जाएगा। आप जब कैरेक्टर से आगे कोई मॉडल और स्पेसिफाई करने के लिए कुछ और कीवर्ड्स लिख सकते हो, जैसे कि मॉडिफायर्स इसमें सी ने प्रोवाइड कराए हैं और ये मॉडिफायर्स अगर आप यूज़ करते हो तो ये और प्रेसाइजली आप इन डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। तो देखते हैं मॉडिफायर्स क्या। मॉडिफायर्स
इन सी डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में चार डेटा टाइप्स के लिए मॉडिफायर्स दिए गए हैं। पहला साइंड, दूसरा अनसाइंड, तीसरा शॉर्ट और चौथा लॉन्ग। ये आप एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो इन डेटा टाइप्स में। साइंड और अनसाइंड, सबसे पहले इनमें क्या डिफरेंस है? अब आप एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का। इंटीजर का साइज 16 बिट्स होता है, मतलब 2 बाइट्स। अगर आप इसे साइंड करते हैं तो आप इसके प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? साइंड, साइंड इंट। तो इसमें जो पहली बिट है वो तो साइन होल्ड करेगा, बाकी के जो 15 बिट्स होंगे वो मैग्नीट्यूड स्टोर करेगा, मतलब इसकी वैल्यू स्टोर करेगा। और अनसाइंड में, अनसाइंड में ये साइन नहीं आएगा, ना यहाँ माइनस आएगा ना प्लस आएगा, ये वाली बिट यूज ना करेगा। तो वो पूरे 16 बिट्स मैग्नीट्यूड स्टोर करेगा। तो ये तो अनसाइंड का एग्जांपल है और ये साइंड का एग्जांपल है। साइंड वाले एग्जांपल में पहला बिट साइन के लिए होता है और अनसाइंड में पहला बिट भी अनसाइंड मैग्नीट्यूड स्टोर करने के काम में आ जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग का क्या यूज है? जब इंटीजर की वैल्यू आपको कम या ज्यादा पड़ती है, जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग। अब यहां पे इंटीजर की वैल्यू कभी कभार शॉर्ट के बराबर हो जाती है और लॉन्ग कभी कभार इंटीजर के बराबर हो जाता है। अभी कैसे हुआ? इंटीजर की वैल्यू वेरी करती है 16 से 32 बिट के बीच में। क्यों ऐसे? इसके पीछे ये लॉजिक है कि इंटीजर एक वर्ड का यूज करता है, एक वर्ड, और इस वर्ड का साइज होता है 16 बिट्स। मगर ये प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। अगर प्रोसेसर का 16 बिट का प्रोसेसर ले रहे हैं आप, तो वर्ड का साइज 16 होगा तो इंटीजर 16 बाइट का होगा, 16 बिट्स का होगा। और अगर वर्ड 32 बिट का है तो इंटीजर 32 बिट का लेगा। तो इस केस में 16 से 32 बिट वेरी करेगा इंटीजर, और शॉर्ट भी कभी कभार 18 से 16 के बीच में वेरी करता है, इसी तरीके से प्रोसेसर बेस्ड। और लॉन्ग की वैल्यू होती है 32, तो शॉर्ट की कभी 16 और इंट की 16 हो सकती है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो उस केस में लॉन्ग की वैल्यू 32 होगी। और इंटीजर की वैल्यू अगर 32 है, लॉन्ग की भी 32 है, तो डेफिनेटली शॉर्ट की वैल्यू इससे कम होगी, इसकी हाफ होगी, मतलब 16 होगी। दोनों ही केस सेम है, मगर यहाँ से डिमांड जनरेट हो जाती है। डिमांड ये जनरेट हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर इंट से कम है, इंटीजर का साइज मान लीजिए 16 बिट है और यहाँ पे शॉर्ट का साइज 8 है, तो आप उसे शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट यूज कर लीजिए, जिससे आपकी मेमोरी बचेगी। दूसरा, अगर आपकी डिमांड इंटीजर से ज़्यादा की है और आपका साइज 32 16 बिट है, तो आप उसे लॉन्ग कर दीजिए। अगर आपका साइज इंटीजर का साइज 16 बिट है और आपकी डिमांड इससे ज़्यादा की है, तो यहाँ डिमांड से क्या मतलब है? वेरिएबल की डिमांड। वेरिएबल ज़्यादा स्पेस मांग रहा है और आप 16 बिट ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो डेटा लॉस होगा, उसका डेटा लॉस ना हो तो आप उसके लिए साइज बढ़ाएंगे, और साइज बढ़ाने के लिए आपको लॉन्ग ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम आपने लॉन्ग लिया तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो इस केस में शॉर्ट और लॉन्ग का यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो ये साइंड और अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग है, ये मॉडिफायर्स आप कैरेक्टर और इंटीजर इन दो में यूज करते हैं। लॉन्ग आप डबल में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डबल के।
ठीक है, तो देखते हैं फिर कितने सारे डेटा टाइप्स बन जाते हैं। जो भी बेसिक डेटा टाइप्स पड़े हैं उनमें ही मॉडिफायर्स लगाने से बहुत सारे डेटा टाइप्स और बन जाते हैं। आफ्टर एडिंग मॉडिफायर्स टू द डेटाबेस, टू द डेटा टाइप्स, जैसे ही आप मॉडिफायर्स को ऐड करेंगे तो आप इन्हीं डेटा टाइप्स को और प्रिसाइसली यूज कर सकते हो। तो इसको जैसे कि आपके तीन मेजर कैटेगरीज अभी अपन ने बताई हैं, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। अब यहां पर मेजर थ्री कैटेगरीज हैं, तो आपने इसको सब डिवाइड करा। कैरेक्टर इंटीजर कितने टाइप के हो सकते हैं? शॉर्ट, सब स्मॉल में ही आएगा, शॉर्ट और शॉर्ट इंट। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। दूसरी कैटेगरी इंट, तीसरी लॉन्ग और लॉन्ग इंट। फ्लोटिंग टाइप में पहला फ्लोट, दूसरा डबल और तीसरा लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल, अब दो मॉडिफायर्स तो मैंने यूज कर लिए, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, और लॉन्ग लॉन्ग यहां पे लॉन्ग। कैरेक्टर का अब हम अनसाइंड, अनसाइंड कैरेक्टर या साइंड कैरेक्टर, यहां पे आप इसको अनसाइंड करेंगे या साइंड करेंगे, दो तरह की कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं। इसी तरीके से इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं आप, अनसाइंड शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, इसी तरीके से इंटीजर अनसाइंड और साइंड, लॉन्ग अनसाइंड और साइंड। ठीक है, तो अब देखिए कितने सारे डेटा टाइप्स इसको आपने और प्रिसाइसली यूज कर लिया। साइंड और अनसाइंड का आपको डिफरेंस पता चल ही गया है कि अनसाइंड में आपको बड़ी रेंज मिल जाती है। अनसाइंड में जैसे कि आपने यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो 0 से 2, 255 आपको रेंज मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे -128 to 127, प्लस का 127 तक आपको रेंज मिलेगी। तो इससे जस्ट डबल मिल जाती है आपको रेंज, क्योंकि माइनस का पार्ट हट गया और यहाँ प्लस में आपको मिल गया है। तो अनसाइंड हमेशा प्लस ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई साइन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रेंजेस क्या हैं और इनके साइज क्या हैं। डेटा टाइप्स रेंजेस एंड साइज ऑफ डेटा टाइप्स, सबसे पहले कैरेक्टर की देखते हैं। यहां मैं टाइप लिख रहा हूं, यहां पे साइज और यहां पे रेंज। कैरेक्टर का अगर हम देखते हैं तो 8 बिट्स, ये बिट्स में है, और रेंज क्या होगी इसकी? -128 to 127। अब इसको आप कैरेक्टर बोल दें या साइंड कैरेक्टर, ये दोनों सेम है। कैर बोलें या अनसाइंड कैर बोलें, दोनों का साइज तो 8 ही रहेगा, मगर अनसाइंड आते ही यहाँ पे रेंज 0 to 255 हो जाएगी। यहाँ पे आप सम कर लीजिएगा इसका, ठीक है, दोनों का सम करने के बाद यही आता है, तो 0 से 255 हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज, ये माइनस की रेंज प्लस में आ गई। अनसाइंड है, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। दूसरा शॉर्ट या साइंड
शॉर्ट, इसका भी साइज 8 और रेंज -128 to 127। अब बात करते हैं केवल अनसाइंड, अनसाइंड ही तो इसका भी साइज 8 और 0 to 255। इसके बाद इंट, इंट का साइज 16 bits। यहाँ पे ध्यान रखना हम ये जो डेटा टाइप्स, ये जो रेंजेस निकाल रहे हैं 16-bit मशीन के लिए निकाल रहे हैं, 16 bits मशीन के लिए निकाल रहे हैं, इंट के लिए या साइंड इंट के लिए 16-bit। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -32768 to 32767। फिर अनसाइंड, अनसाइंड इंट 16 bits, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0 to 65535, इन दोनों का सम करके ये आ गया। तो ये रेंज, क्योंकि नेगेटिव वाली भी वो प्लस में मिल गई। फिर लॉन्ग या लॉन्ग इन या साइंड लॉन्ग इन, अब इसका साइज क्या मिलेगा आपको 32, और इसकी रेंज कहाँ से हो जाएगी, -21 47। इतनी बड़ी रेंज हो जाएगी। और अनसाइंड करेंगे तो अनसाइंड लॉन्ग इंट साइज तो वही रहेगा, मगर रेंज इसकी डबल हो जाएगी 0 to। इसका सम कर लीजिए 0 to 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 0 to
फ्लोट, फ्लोट भी 32 bits का है, मगर इसका जो 6 bits तक, 6 digits तक का प्रसीशन ये रिकॉर्ड करता है, 6 digits तक का प्रसीशन आफ्टर डेसिमल। अगर डबल की बात करते हैं तो ये 64 bits और मोर देन 10 digits प्रसीशन। लॉन्ग डबल की बात करें, लॉन्ग डबल तो 80 बिट्स का और इससे भी ज्यादा जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में काम आता है उतना उसके लिए काम में आता है लॉन्ग डबल। तो ये कुछ रेंजेस हो गई। अब ये रेंजेस निकालने का एक फॉर्मूला भी है, ये वाली जो रेंजेस हैं इसका निकालने का फॉर्मूला भी है। रेंजेस फॉर्मूला, किसी भी डेटा टाइप का आपको रेंज निकालनी है तो अगर साइंड है, अगर साइंड लेंथ की बात कर रहे हो तो आप कितना आएगा, इसकी बिट्स कितनी होती हैं, 16 bits। तो फॉर्मूला क्या है, -2n-1 तो ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर 15 -1। इस तरह से आपकी वही रेंज आ जाएगी। और अनसाइंड में, अनसाइंड इंट में निकालेंगे तो आप 2 की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 -1।
इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं आउटपुट। ये भी कई बार वाइवा अगर वगैरह एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है।